मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिलहाल हम हैं शांतिपुर स्टेशन में और आज हम जर्नी करने वाले हैं 00544 यानी कि शांतिपुर सियालदह क्लेसिक स्पेशल लोकल में। और शांतिपुर यहाँ से इसका टाइम है 1:40 में, तो चलिए पहले ट्रेन में बोर्ड करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ट्रेन के अंदर और शांतिपुर सियालदह क्लेसिक स्पेशल ये है 1:40 में यहाँ से इसका टाइम है और हमें ये पहुँचा देगी 4:05 पे सियालदह, बीच में इसका रानाघाट से बैरिकपुर तक 50 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। जर्नी बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और डिपार्चर का समय आपसे मिलते हैं। हमारी ट्रेन शांतिपुर सियालदह क्लेसिक स्पेशल अपने टाइम पे ही 1:40 पे शांतिपुर स्टेशन से निकल चुकी है। नेक्स्ट स्टॉप पे पुलिया और शांतिपुर जो है 50 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है, तो इसका स्टॉपेज बहुत कम है। तो चलिए अब हम आपसे बात करेंगे पुलिया स्टेशन पे। फर्स्ट स्टॉप पुलिया, इसका स्टेशन कोड है FLU 2 लाख का प्लेटफॉर्म है। शांतिपुर के बारे में क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, बारिश हो रही है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में मॉनसून सीजन आ गया है और बारिश बहुत हो रही है, इस वजह से बाहर का नज़ारा आपको नहीं कर रहा, बहुत चिल्ले चिल्ले हो रही है, अगर साउंड नहीं आए उसके लिए सॉरी है, बहुत कितनी हो रही है। इसके बाद है हमारा स्टॉप काली नारायणपुर, तो चलिए काली नारायणपुर में आप बात कर रहे हैं, बीच में एक स्टॉप हम स्किप करने वाले हैं। काली नारायणपुर स्टेशन कोड KL NP और यहाँ 4 लाइन का प्लेटफॉर्म है, 2 लाइन कृष्णा नगर सियालदह, 2 लाइन शांतिपुर सियालदह, वो लाइन जो देख रहे हैं वो लाइन कृष्णा नगर है और ये जो हम जिस लाइन पे जा रहे हैं ये लाइन शांतिपुर सियालदह है। तो चलिए हम उस तरफ से नहीं ले पाए बिकॉज आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे रास्ते में क्या है, देखिए कारण मैं काली नारायणपुर का एंट्री नहीं ले पाया। अब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, इसके बाद स्टेशन रानाघाट है, तो रानाघाट स्टेशन में आपसे बात करेंगे। और वो जो लाइन देख रहे हैं वो कृष्णा नगर लाइन है। Thank you.
रानाघाट जंक्शन स्टेशन पर आ रहे थे। 1862 में इसको स्टार्ट किया गया, 10 लाइन का प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बैरिकपुरा, 50 किलोमीटर का आपका जो स्टॉप ट्रेन दिखाएंगे, बैक टू वेट स्कीपिंग भी दिखाएंगे। ट्रेन के बारे में अगर बात करें तो क्लेशक स्पेशल लोकल है, इसको स्टार्ट किया गया था 2002 में, एक महीना चलाया गया फिर इसको बंद कर दिया, फिर इसको 2021 में चलाया गया स्पेशल फॉर वेंडर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए जिसमें माल आना था। और सब ट्रेन में दो होती है वेंडर कोच, इसमें चार है, बाकी जितना पैसेंजर बुक है सब में ये माल जा रहा है, मतलब सभी वेंडर्स के तरीके से यूज़ किया जाता है। ट्रेन की डिपार्चर हो गई है, फ्लाइट जो है ये सबर्बन और सर्कुलर रेलवे, यहाँ से आप पूरा चारों तरफ जा सकते हैं, शांतिपुर, कृष्णा नगर, गेदे, बनगांव, हसनाबाद, सियालदा, लगभग चार पांच तरफ लाइन जाती है, गेदे तरफ लाइन जाती है, शांतिपुर की तरफ लाइन जाती है, कृष्णा नगर की तरफ लाइन जाती है, और बनगांव और सियालदा की तरफ लाइन जाती है, जिसमें हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलिए आपको स्कीपिंग देखें, इसके बाद हमारा 50 किलोमीटर के बाद बैरिकपुर जंक्शन अपना स्टॉप है, उससे पहले आपको बहुत सारे स्कीपिंग देखिए और इन्जॉय कीजिए। जंक्शन पे हमारी कृषक लोकल आके रुकी है, यहाँ इसका स्टॉपिस नहीं है कमर्शियल, लेकिन यहाँ इसका टेक्निकल हॉल्ट है, इसके वजह से यहाँ आके रुकी है। और इसके बाद हमारा हॉल्ट तो बैरिकपुर है, बैरिकपुर में जाके आपसे बात करते हैं। में इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, यहाँ इसका टेक्निकल हॉल्ट है, कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। यहाँ से एक गार्ड उठे हैं, ड्राइवर जो सामने इंजन में उठे हैं, अब इसके बाद यहाँ से बैरिकपुर नॉन स्टॉप रन होगी।
सो फ्रेंड्स, अपनी ट्रेन इतना बढ़िया रन देते हुए आके रुकी है बैरकपुर में। बैरकपुर में इसका पहुंचने का टाइम था 2:20 बट 2:22, 2 मिनट डिले के साथ बैरकपुर में आ गई है। अब ये ट्रेन चला जाएगी और बैरकपुर के बारे में तो आप जानते ही है, स्टेशन कोड है BP, 5 लाइन का प्लेटफॉर्म है। बैरकपुर को जंक्शन भी कहा जाता है, जंक्शन है और इसको स्थापना की थी मंगल पांडे जी। और यहाँ का जो फेमस प्लेस है मंगल पांडे पार्क, गांधी घाट, और यहाँ का फूड में अगर जाइएगा तो दादा बोधी बिरयानी, अगर आप में से कोई दादा बिरयानी टेस्ट किए हैं तो बताना ज़रूर। और चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट हॉल्ट है टीटागढ़ को स्किप करके आपको मिलेंगे खरदा में, क्योंकि हम बहुत बार इस रूट में आपको दिखाए हैं टीटागढ़, तो खरदा में मिलते हैं। स्टेशन कोड ACP, और यहाँ से अगर आप सोच रूप से उतर के दाहिने साइड जाइएगा तो दाहिने साइड में आपको BT रोड मिल जाएगा, बाएं साइड जाइएगा तो आपको हसनाबाद 1260 लाइन मिल जाएगा। वहाँ आपको ऑटो करके जाना होगा, मिनिमम 5 किलोमीटर होगा, ऑटो में किराया आपका 20 रुपया लगेगा। इसके बाद है आगरपाड़ा, तो आगरपाड़ा स्किप करके हम आपको मिलेंगे बेलघरिया में। स्टेशन कोड PLH और यहाँ आपको मिल जाएगा बेलघरिया एक्सप्रेस वे, बेलघरिया आपको साउथ जोन। चलिए, इसके बाद है दमदम, तो दमदम में जाकर बात करते हैं। दमदम जंक्शन स्टेशन पर डी डीजे, और यहाँ से 4 लाइन अलग होती है, एक जाती है बनगांव की तरफ और एक जाती है आपको 1260, और 1260 और बनगांव एक है, एक दानकुनी की तरफ और एक है माजाराट की तरफ और एक नेहटी की तरफ, जिसमें हम चल रहे हैं। चलिए, इसके बाद है विधान नगर, उसके बाद सियाल नगर। सेकेंड लास्ट हॉल्ट विधान नगर रोड स्टेशन पर PNXR, और यहाँ आपको बहुत सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाला ये स्टेशन है, बिकॉज शॉर्ट लेग से कनेक्टेड है, शॉर्ट लेग में बहुत सारे IT कंपनी से ये कनेक्टेड है। इसके बाद है सियालदा, तो आप डायरेक्ट सियालदा में बात करूँगा। Thank you.
हमारी 93 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। हमारा ट्रेन का यहाँ पहुँचाने का टाइम था 4:10 में, बट ये 3 मिनट पहले ही हमें यहाँ पहुँचा दिए। और यहाँ से हम वापस घर जाएंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई यहाँ से सियालदह से देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसा ही ट्रेन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ता एक नए ब्लॉग के साथ, रेल जर्नी के साथ आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग और नए डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।